जैन दोस्तों स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग ऐसे पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं भौतिकी का पेपर। दोस्तों आपका जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है दोस्तों ये 100% रियल पेपर। दोस्तों आपको YouTube पर ऐसा कोई सा पेपर नहीं मिलेगा दोस्तों, ये रियल पेपर है, वायरल पेपर। दोस्तों जल्दी से इस पेपर को याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे का पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों इस पेपर में टोटल 19 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों जल्दी से इस पेपर को अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। दोस्तों आप देख लीजिए आपके पहला क्वेश्चन पूछा सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों यदि आपको एक फेक पेपर लग रहा है तो दोस्तों आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल पर चले जाए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं। यहाँ पे पहला देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा लिखिए। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा लिखिए। यहाँ पर चौथा देख लीजिए, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है कैसे होती है ये आपको बताना है। अब दोस्तों आप पांचवा देख लीजिए, आदर्श वोल्टमीटर का पत्र होता है कैसा होता है दोस्तों ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए छठा देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी आपको बताना है। यहाँ पर सातवा देख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों इनको आपकी या फिजिक्स बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर 7 खाली स्थान दिए गए, इनके उत्तर दोस्तों यहाँ पर फटाफट आपकी बुक से लगा लीजिए, जिससे आपके पास 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लिया प्रश्न क्रमांक 3 दिया, सही जोड़ी बनाई है। दोस्तों आपको एक तरफ ए दिया, एक तरफ दोस्तों आपको बी दिया। दोस्तों आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान कर लेना है, ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर इस सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब उससे देख लिया प्रश्न क्रमांक 4 दिया, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है, यहाँ पर जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 या 5 पूछा गया है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखे, या फिर दोस्तों इसका तौल क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, समविभव पृष्ठ क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, इससे आपको 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से पूछा गया, यहाँ पर अनुगम वेग है यहाँ पर दिया दोस्तों, तथा अनुगम वेग संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों इसका तौल क्वेश्चन दिया है, 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लिए, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, या फिर दोस्तों इसका तौल क्वेश्चन यहाँ पर दिया, लालन बल क्या है इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, जिससे आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब उससे क्वेश्चन में 8 देख लिया, क्वेश्चन में 8 दिया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 9 दिया दोस्तों, ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 भी दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ पर 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। आप दोस्तों अब देख लिया क्वेश्चन में, आप 13 देख लिया, क्वेश्चन 13 आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर इसका तो दिया दोस्तों, बट दोस्तों यहाँ पर फोटो लेने में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कट गया, ठीक है। यहाँ पर देख लिया दोस्तों, यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया 17 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, LCR प्रत्यावर्ती धारा प्रतिवर्त में निम्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ पर दिया, तो आप दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते, जिससे आपके 4 नंबर से कम हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया आपके यहाँ पर दोस्तों 18 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उसके बाद यहाँ पर देख लिया 19 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इस पेपर को आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों आपको इस पेपर का पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।